नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। एग्जिट पोल को लेकर एमपी बीजेपी खेमे में उत्साह है। उधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि एमपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी और शिवराज ने प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी जिक्र किया। तो मध्य प्रदेश में 230 सीटें, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन सकती है। एमपी में विधानसभा चुनाव के नतीजे तो वैसे 3 दिसंबर को ही आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता अभी से खुश हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक एमपी में फिर से कमल खिलने जा रहा है। ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान भी एग्जिट पोल से उत्साहित दिखे। उनका कहना था कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं जमीन तक पहुंची हैं और यही वजह है कि एमपी में इस बार फिर से बीजेपी आएगी। हमारे सभी कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और जनता का प्यार और आशीर्वाद, केंद्र की योजनाएं भी, चाहे वो पीएम गरीब कल्याण योजना हो या पीएम किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो, चाहे हमने पीएम किसान सम्मान निधि में सीएम किसान सम्मान निधि या कल्याण योजना की राशि जोड़ी हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो या अन्य बहुत सी योजनाएं, ये उन्हीं को ढंग से नीचे पहुंचाने का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही। शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी, जेपी नड्डा के अलावा अमित शाह का भी आभार जताया है। नतीजों के पहले ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से जनता के आशीर्वाद से बीजेपी की सरकार बन सकती है। वहीं केंद्रीय मंत्री और नरसिंहपुर से बीजेपी के प्रत्याशी प्रहलाद सिंह पटेल ने भी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा एग्जिट पोल के अनुमान भी यही बता रहे हैं। प्रहलाद पटेल ने कहा कि हमने विरासत के साथ विकास किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में बनने जा रही है। अब हम लोग 48 घंटे के लिए इंतजार कर रहे हैं। मैं मानता हूँ दोस्तों, हमें 3 दिसंबर का इंतजार करना चाहिए, लेकिन ये अनुकूलता हमको गौरवान्वित करती है। भाई साहब, एग्जिट पोल में भाजपा को पूर्ण बहुमत दिखाई गई है, तो क्या आप मुख्यमंत्री के दावेदार रहेंगे? भारतीय जनता पार्टी में अटकलबाजियों से राजनीति नहीं होती। मैं अनेक बार एग्जिट पोल पर पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान सामने आया। उनका कहना है कि एग्जिट पोल से झूठा माहौल बनाया जा रहा है। कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं से निराश न होने की बात कही, साथ ही कहा कि 3 दिसंबर का इंतजार कीजिए। इसके सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत से मैदान में आ जाएं। भाजपा चुनाव हार चुकी है। कुछ एग्जिट पोल जानबूझकर इसीलिए बनाए गए हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ता निराश हुए और झूठा माहौल दिखाकर अधिकारियों पर दबाव बनाया जाए। ये पर्यंत्र कामयाब होने वाला नहीं है। कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी, मोर्चा संगठन के प्रमुख और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी अपने अपने काम में जुट जाएं और निष्पक्ष मतगणना कराएं। हम सब जीत के लिए तैयार हैं। हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें या पीसीसी में 3 दिसंबर को फोन करें, मैं पूरे समय में रहूंगा। 3 दिसंबर को बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने बड़ा दावा किया, जहां उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को कई राज्यों में बीजेपी की भारी बहुमत से जीत होगी और इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनेगी। वहीं जेडीयू नेता केसी त्यागी ने 5 राज्यों के नतीजों को लेकर कहा कि 3 दिसंबर का इंतजार कीजिए। उनका कहना था कि बीजेपी की करारी हार होने वाली है। तीन दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से राज्यों में, राज्यों के बहुमतों से जीत होगी। हम इस पर नहीं कुछ बोलते कि 5 में से, लेकिन मुझे 5 में से 3 तो मस्ट जीतूंगा, 3 से 4 नहीं। मुझे परसों का इंतजार है और मेरी इच्छा भी है और मेरा आंकलन भी है कि भारतीय जनता पार्टी की पराजय होगी। 2014-2019 में
प्रधानमंत्री ने जो दावे और वायदे देश की जनता से किए थे, जनता के एक बड़े उत्साह और उमंग के साथ उनको विजयी बनाया था। लिहाजा इस पराजय से इंडिया गठबंधन का हौसला बुलंद होगा और 2024 के विजय की पटकथा लिखने का सिलसिला भी प्रारंभ होगा। छत्तीसगढ़ में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने से पहले कांग्रेस अपनी हर कमजोर कड़ी को दुरुस्त कर लेना चाहती है, जिसको लेकर राजधानी रायपुर में पार्टी की हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा समेत सभी कोर कमेटी के मेंबर मौजूद हैं। राजीव भवन में इस बैठक में चुनाव परिणाम के बाद की तमाम संभावनाओं पर मंथन किया जा रहा है और तमाम जीतने वाले विधायकों को रणनीति के हिसाब निर्देश दिए जाएंगे। गौरतलब है कि पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशियों को चुनाव जीतने के बाद तुरंत ही सर्टिफिकेट लेकर रायपुर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। एग्जिट पोल आ गए और एग्जिट पोल में ये बताया गया है, ज्यादातर जो एग्जिट पोल हैं वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो सरकार बना रही है छत्तीसगढ़ में, लेकिन कांटे की टक्कर भी बता रही है। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष मोहम्मद अकबर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो एग्जिट पोल आया है इससे कितना एग्री करते हैं जो सीटों का आंकड़ा दिया गया है? देखिए, कांग्रेस ने जो नारा दिया है ना, अबकी बार 75 पार, हम लोग अभी भी अबकी बार 75 पार में ही हैं और जो घोषणा पत्र बना है और जिस प्रकार से वो आकर्षक रहा है, कर्जा माफी के बारे में बात हुई है, 3200 रुपये के हिसाब से धान खरीदी के बारे में बात किए हैं, महिला स्वयं सहायता समूह का कर्ज माफी का बातचीत किए हैं और स्वास्थ्य के बारे में 5 लाख से जो बीमा है 5 से बढ़ाकर उसको 10 लाख किए हैं, 200 यूनिट बिजली का फ्री किए हैं और जो 7000 रुपये सालाना भूमिहीन लोगों को दिया जाता था उसको 10000 दिए हैं। तो ये इतने सारे वायदा करने के बाद मैं ऐसा नहीं समझता कि जो आपकी बात 75 पार का जो नारा है वो फेल होगा और फिर आपकी बात 75 पार है। तो आप ये मान के चल रहे हैं, मतलब आपका ये दावा है कि 75 के पार सीटें आएंगी? बिल्कुल, हमारा दावा है 75 के पार सीटें आएगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कैमरा पर्सन मनीष के साथ ममता लांडेवाल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। तो एक तरफ रायपुर में कांग्रेस की बैठक हो रही है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने राजनांदगांव में एक बैठक की जिसमें उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल के नतीजे के हिसाब से प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ गिर रहा है और कांग्रेस के 75 सीटें जीतने का दावा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस जो 59 सीट जीत के आई थी उसका कितना नीचे गिरावट हुआ है और 59 सीट से नीचे आते आते दो एग्जिट पोल ने 40 और 42 तक का कांग्रेस के सदस्य संख्या बताई है। इसका मतलब है 69 से 42 और 40 तक आ गए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है 15 विधानसभा सीट जीतने से आगे बढ़ते बढ़ते 48 और 46 दिखा रहा है। दुर्ग जिले के पाटन विधानसभा सीट से सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव हार रहे हैं। बिलासपुर पहुंचे बीजेपी सांसद और विधानसभा प्रत्याशी विजय बघेल ने कहा कि बीजेपी स्पष्ट रूप से सरकार बनाने चाह रही है। वहीं उन्होंने पाटन से प्रत्याशी और जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। विजय बघेल ने कहा कि मतदाताओं ने अपना आक्रोश ईवीएम के जरिए दिखाया है, जो 3 दिसंबर को मतगणना के बाद सबको दिखेगा। विजय बघेल मां महामाया देवी के दर्शन करने के लिए बिलासपुर पहुंचे हुए थे। अब मैं क्या कहूं एग्जिट पोल के बारे में, ठीक है उनका आकलन होगा लेकिन धरातल में अगर जाएं तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बन रही है और पाटन क्षेत्र से मुख्यमंत्री चुनाव हार रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है। अमित योगी ज्यादा दिन नहीं है, अभी आज है और कल है, फिर परसों सुबह तो सब पेटियों में जो बंद है वो खुल जाएंगे। भूपेश बघेल का कहना है कि बाप बाप होता है, इस बारे में क्या? मैं बड़ा बाप अमित जी, अब उनका अहंकार बोल रहा है, ठीक है वो दिख जाएगा सब। वैसे भी तो उनके स्वभाव उनके और आचरण से तो सब वाकिफ है, मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता।
बुरहानपुर में गांव के सहकारी बैंक में चोर की सारी कोशिश धरी की धरी रह गई और चोर को बैंक से भागना पड़ा। अब सीसीटीवी के आधार पर पुलिस चोर की तलाश कर रही है। बुरहानपुर के नावरा गांव के सहकारी बैंक की ये तस्वीरें हैं। बैंक में चोर घुसा है, देखिए इसने चोरी की पूरी तैयारी कर रखी है। चेहरे पर नकाब है, हाथ में ग्लव्स हैं, लेकिन जनाब की सारी होशियारी किसी काम नहीं आई। जैसे ही इसने लॉकर से छेड़खानी की, अलार्म बज गया। अलार्म के बजते ही चोर मौके से भाग खड़ा हुआ और बैंक में चोरी नहीं हो पाई। चोर के एंट्री से लेकर एग्जिट तक की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। शातिर चोर ने पहचान छिपाने की नीयत से ग्लव्स और काला लिबास पहन रखा था। हालांकि पुलिस सीसीटीवी के आधार पर इस चोर की तलाश में जुटी हुई है। भोपाल और इंदौर में बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। भोपाल में तो हेड कांस्टेबल तक पर हमला कर दिया, वहीं इंदौर में पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों में पुलिस का जरा भी खौफ नहीं है। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देखिए, तस्वीरें भोपाल की हैं। कुछ लोग सड़क पर बेखौफ तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं, सड़क किनारे लगी गाड़ियों की कांच तोड़ रहे हैं, जबकि बाइक को गिरा रहे हैं। इनके हाथ में लाठी डंडे हैं। एक व्यक्ति ने इन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहा। घटना हबीबगंज की है। इन्होंने FRB पर भी हमला किया, यही नहीं हेड कांस्टेबल को निशाना बनाया। अब इंदौर की तस्वीरें देखिए, यहाँ कैफे में गाना बजाने की बात पर जमकर हंगामा हुआ। दो बदमाशों ने कार में तोड़फोड़ की, युवक की बेल्ट और डंडे से पिटाई की। हालांकि बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। भिंड में भी बदमाश बेखौफ है। यहां बदमाशों ने दिन दहाड़े फायरिंग की। फायरिंग के बाद राहगीरों में भगदड़ मच गई। बताया जा रहा है कि दहशत फैलाने के इरादे से लाहार चौराहे पर सरेआम फायरिंग की गई। तीन शहरों में बेखौफ बदमाशों के उत्पात ने लॉ एंड ऑर्डर पर जरूर सवाल खड़े कर दिए हैं। उम्मीद है पुलिस जल्द कार्रवाई करेगी। खंडवा न्यायालय ने एक दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। नाबालिग के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। दरअसल 15 साल की बालिका आरोपी की दुकान पर बिस्किट लेने गई थी। इस दौरान आरोपी पीड़िता को घर ले गया, जहां उसने पहले बलात्कार किया और पत्नी के घर आने पर पीड़िता की हत्या कर दी। पत्नी ने भी पति का बचाव करते हुए उसका साथ दिया है। कोर्ट ने दोनों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और धारा 201 में 5 वर्ष के दंड से दंडित किया। समाज पे इसका बुरा प्रभाव पड़ता है ऐसी घटना का, इस पर रोक के लिए आरोपी को कठोर दंड से दंडित किया। खबर दमोह से, जहां पथरिया थाना क्षेत्र के सुजनीपुर गांव में एक दलित युवक के साथ गांव के ही कुछ लोगों ने मारपीट की। मारपीट की वजह दलित के द्वारा दुकान में जाकर पानी पीना बताया जा रहा है। युवक भरत अहिरवार का आरोप है कि वो गांव के शिवराज पटेल की दुकान में खरीददारी करने के लिए गया हुआ था। वहां उसे प्यास लगी तो उसने डिब्बे में रखे हुए पानी को पी लिया। इससे नाराज दुकान मालिक और उसके परिजनों ने लोहे की रॉड और लाठियों से उस पर हमला बोल दिया। पथरिया थाना TI रजनी शुक्ला ने बताया है कि घायल के परिजनों ने सूचना दी थी। उसके बाद घायल के बयानों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। मामले की जांच जारी है। छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के छात्र आए दिन हो रहे नक्सली वारदातों से अब तंग आ चुके हैं। इन नक्सली गतिविधियों से यहां के छात्र इतने नाराज हैं कि उन्होंने कलेक्टर और SP से नक्सलियों की शिकायत कर दी और नक्सली गतिविधियों पर तुरंत लगाम लगाने की मांग की। इन छात्रों का कहना है कि नक्सली गतिविधियों की वजह से उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है, पढ़ाई अक्सर बाधित होती है। वहीं परिजनों को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताने लगी है।
इन छात्रों का कहना है कि नक्सली न सिर्फ विकास कार्यों को बाधित कर रहे हैं बल्कि उनके भविष्य को अंधकार में धकेल रहे हैं, लिहाजा इनकी गतिविधियों पर तुरंत ही रोक लगनी चाहिए। अभी कॉलेज के छात्र छात्राएं, जिसमें से काफी छात्र छात्राएं जो कि अंदरूनी क्षेत्र के रहने वाले हैं, वो यहाँ आके ज्ञापन दिए हैं, जो नक्सलियों के द्वारा कायराना करतूत करते हुए टावर जलाया जा रहा है उसके खिलाफ छात्र छात्राओं ने आवेदन दिया है। टावर जलाने के कारण बच्चों को पढ़ाई में परेशानी होती है, जो मोबाइल से वो अभ्यास करते हैं उनसे उनको परेशानी होती है, और अंदरूनी गाँव में जो बच्चे रहते हैं वो अपने माता पिता जी से बातचीत नहीं हो पाते, उनके काफ़ी पारिवारिक समस्या रहती है। जांजगीर चांपा के पंचायत छिताबडरिया की वन भूमि पर अवैध रूप से हरे भरे पेड़ों की कटाई कर बनाए गए सड़क को आखिरकार वन विभाग के अफसरों ने ब्लॉक कर दिया। दरअसल शिकायत के बाद वन विभाग की टीम वन भूमि पर बनी सड़क को दोनों ओर से जेसीबी से खुदाई कर बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया। तो जेसीबी मशीन से खुदाई कर दी गई और वन विभाग ने एक्शन लेते हुए रोड को ब्लॉक कर दिया, बंद कर दिया। अवैध रूप से ये सड़क बनाया गया था, वहाँ पर बनी थी, वन भूमि पर बने अवैध रूप से सड़क को ब्लॉक किया गया है। छिताबडरिया में अभी शिकायत प्राप्त हुआ था गुरु मिनरल्स करके एक क्रशर प्लांट है, तो कि जो है वन विभाग में जो है अतिक्रमण करके वहाँ के जो रोड है उसको इस्तेमाल कर रहा था। तो अभी हमने जांच टीम भेजा हुआ था उड़नदस्ता को, और उड़नदस्ता ने जो है अभी वो जो रोड जिसको इस्तेमाल कर रहे थे तो उसको बंद करा दिया है, और जो है कुछ पेड़ कटाई की भी शिकायतें उनसे मिली हैं, तो उसका भी अभी जांच चल रहा है, और पाया जाता है तो नुकसान अगर होता है तो फिर जो उनके ऊपर प्रॉपर केस किया जाएगा। मेरे द्वारा शिकायत ये किया गया था, सूचना के अधिकार लगाया गया था कि ये जो रोड बना हुआ है ये गुरु श्री मिनरल्स एक प्राइवेट संस्था है, उसके द्वारा अपने निजी स्वार्थ के लिए, यहाँ पर प्राइवेट अपना खदान है उसका माल को निकालने के लिए अपना ये निजी रोड बनाया है, ये वन विभाग के और रियर फॉरेस्ट के लिए में। कितने किस दूरी में बना है? ये लगभग 1 किलोमीटर से ऊपर है। कैसे टाइप का ये वन विभाग की जमीन में रोड बना है? ये रियर फॉरेस्ट एरिया आता है, जो संरक्षित जंगल बोलते हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिसके चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने लगी है। दिल्ली NCR में ठंड के साथ धुंध छाने के भी आसार हैं। राजधानी में मौसम का मिजाज थोड़ा बदलने का अनुमान है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही देखने को मिलेगा। आप रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई है। रोहतांग के अटल टनल से ये ठंड का एहसास कराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। अटल टनल के अलावा नारकंडा, कुल्लू, लाहौल की चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। वहीं राजधानी शिमला में बारिश हुई है। गुरुवार को बारिश और बर्फबारी होने से तापमान में 5 डिग्री की कमी आई है। प्रदेश भर में शीतलहर पड़ रही है और ठंड अभी से ही इम्तिहान लेने लगी है। 25 नवंबर तक सैलानी रोहतांग का दीदार कर सके, लेकिन अब स्नोफॉल के बाद से ही रोहतांग बंद है। रोहतांग के साउथ पोर्टल, धुंधी और इसके आसपास के इलाकों में करीब 4 इंच बर्फबारी हुई है। चंद्रा घाटी और सिस्सू में भी बर्फ पड़ी है। बर्फबारी की वजह से कई रास्तों को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी ताजा बर्फबारी हुई है और पूरी घाटी सफेद चांदी से ढकी हुई है। लाहौल स्पीति के कोसकर इलाके में सड़क, पेड़, घर सभी बर्फ के आगोश में हैं। कुल्लू जिले के निचले इलाकों में बारिश हुई है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों को संवेदनशील इलाकों की ओर ना जाने की हिदायत दी है। चमोली के नीति घाटी में भी जमकर बर्फबारी हुई है। पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। घाटी के मलारी, नीति, गमशाली, फरकिया गांव भी बर्फ की चादर से लिपटा हुआ है। नीति घाटी में पिछले महीने से ही स्नोफॉल शुरू हो गया था। चमोली में पिछले 2 दिनों से रुक रुक कर पहाड़ी इलाकों में हिमपात हुआ है, जिससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले समय में और बर्फ पड़ सकती है,
जिससे ठंड भी बढ़ने वाली है। मलारी गांव में लगभग 30 से 35 परिवार रहते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा बर्फ पड़ी है कि यहां के लोग अपने शीतकालीन प्रवास की तरफ लौट चुके हैं। पहाड़ों पर बर्फ पड़ने से मैदानी इलाकों में भी तापमान गिरेगा। हरियाणा में भी मौसम की मार पड़ी है। करनाल में भारी ओलावृष्टि हुई है, जिसके बाद किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। किसानों को बहुत नुकसान हो गया है। एक से डेढ़ दर्जन गांव है, राज्यपुर, तुसंगो, उमरपर, सलामनगर, कलसोरा, समसपर, मुस्सेपर, गढ़ी, लबकरी, चौगामा, चंद्राव, हंसुमाजरा, इनमें बहुत ज्यादा बरसात भी हुई है और बरसात के साथ कुदरत की मार पड़ी है। तो जिस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में ओले गिर रहे हैं, उससे मौसम का मिजाज बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।